सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, ओप्पो ब्रांड के बारे में तो आप सभी को पता होगा, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। अगर आप ऑफलाइन सेगमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर ओप्पो के जनरली अगर स्मार्टफोन की बात करें तो थोड़ा ओवर प्राइस रहता है, बट यार ओप्पो ने आज ऐसा डिवाइस लॉन्च करा है, आप बोल सकते हो सबका बाप है, रियलमी 2 प्रो का भी ये बाप निकल के आने वाला है। कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बताऊँगा इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और शेयर करूँगा अपने कुछ ओपिनियंस यहाँ पर ओप्पो के वन के बारे में। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम सिर्फ 500 लाइक्स का, आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ओप्पो की तरफ से ये जो K सीरीज़ है वो नई सीरीज़ है। K सीरीज़ का पहला स्मार्टफोन यहाँ पर है K1। ये अभी के लिए यहाँ पर ये चाइना में लॉन्च हुआ है। ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, 64GB+4GB, 64GB+6GB। प्राइस पॉइंट की बात करें तो पहला जो डिवाइस है 1599 yuan का लॉन्च हुआ है, मतलब इंडिया का लगभग आपको 17,000 के आसपास प्राइसिंग देखने को मिलती है। और जो 6GB वाला वेरिएंट है वो आपको लगभग 19,000 के आसपास प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको यहाँ पर ये फ़ोन के बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। बिल और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में आपको ग्लास तो मिलता ही है, वाटर ड्रॉप टाइप का आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। बैक साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्लॉसी टाइप का आपको ग्लास फिनिश वाला डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो दिखने के मामले में से फ्रंट में से एज वेल एज बैक में से बहुत ही कमाल का आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पर ये फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है। 6.4 इंच का आपको एक सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, ये 17,000 की प्राइस पॉइंट पे सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। बहुत ही कमाल का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलेगा, 91% के आसपास देखने को मिल जाएगा। रैम और स्टोरेज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा। एसडी कार्ड का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, डुअल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर ये फोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 660 देखने को मिलेगा जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक कराया गया है। और यहाँ पर अगर GPU की बात करें तो यहाँ पर आपको एड्रिनो का 512 का GPU मिलेगा। तो परफॉर्मेंस भी ये डिवाइस की बहुत ही किलर रहने वाली है। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, 16+2 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल का जो है उसमें आपको f1.7 का पिक्चर देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी कैमरा वो आपको 2 मेगापिक्सल का मिलेगा। और आपको बता दूँ ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तक के सपोर्ट करता है। साथ में फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो 25 मेगापिक्सल का आपको AI वाला सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। स्क्रीन फ्लैश का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो कैमरा भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के सेंसर्स की, तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब ये फ़ोन की सबसे स्पेशल बात ये है कि यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि आपने मोस्टली वीवो के फ़ोन में देखे होंगे। 17,000 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सुपर एमोलेड डिस्प्ले पे, बहुत ही बढ़िया है। एक थम्स अप मेरी तरफ से ओप्पो के लिए। साथ में फेस अनलॉक का फीचर भी आपको ये फ़ोन में देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड वर्जन और UI की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको ओरियो 8.1 मिलेगा और कलर OS 5.2 पे ये भी रन करता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपको 3600 mAh की बैटरी मिलेगी। अब फास्ट चार्जिंग है या नहीं भाई, ये पूरा तरीके से कन्फर्म नहीं हुआ है, जहाँ तक कि मैंने यहाँ पर पढ़ा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। तो ये पूरा पैकेज आपको 17,000 में ओप्पो की तरफ से देखने को मिलता है। यार सबका बाप है ये, एक तो आपको डिज़ाइन के मामले में अच्छा है, डिस्प्ले वाटर ड्रॉप, और यार सबसे बड़ी बात है एमोलेड डिस्प्ले 17,000 की प्राइस पॉइंट पे, यार किलर है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ये प्राइस पॉइंट पे बहुत ही बढ़िया है। कैमरा भी अच्छा दे दिया है, प्रोसेसर में घान करते थे बट वो भी अच्छा दे दिया है, बैटरी लाइफ भी डिसेंट दे दिया। तो भाई 17,000 में इतना बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च करे, आई होप कि यार कोई वीडियो देख रहा है ओप्पो से तो भाई इंडिया में ऐसे फ़ोन लाओ। अगर 17,000 की रेंज में आप इंडिया में ऐसे फ़ोन लाते हो, 18-19 में भी लाते हो, तो फिर कोई क्यों नहीं लेगा, भले ही आप ऑनलाइन बेचो कैसे भी बेचो, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ये फ़ोन की सेल रहने वाली है। इतना बढ़िया सी फ़ोन, यार दिल खुश हो गया यहाँ पर ये फ़ोन की न्यूज़ पढ़ के। मैं सोचा कि आप लोगों को भी यहाँ पर ये बढ़िया से फ़ोन के बारे में बता दूँ, जैसे होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, रुको, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में आपको ये 17,000 में डील कैसी लगी वो भी बताना, और क्या ये इंडिया में अगर ये प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है तो क्या आप ये फ़ोन को लेना पसंद करोगे नहीं करोगे, वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। मिलता हूँ फिर से अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।